तो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि अफगानिस्तान में तख्ता पलट हो चुका है मात्र 11 दिन में और तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। यही नहीं, अफगानिस्तान में मौजूद सभी 6 स्टेडियम पर भी तालिबान का कब्जा पूरी ही तरह से है। अब ऐसे में क्रिकेट का आगे क्या भविष्य है? आपकी जानकारी के लिए बता दें कि अफगानिस्तान के प्रेसिडेंट देश छोड़कर विदेश भाग गए थे। ऐसे में अफगानिस्तान में उथल पुथल मचा हुआ है। तो क्या है क्रिकेट का भविष्य? तालिबान के आने के बाद अब अफगानिस्तान क्रिकेट का भविष्य क्या है? आगे क्या होने वाला? क्या सीरीज खेल पाएगी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम या फिर नहीं? आगे आने वाले आईपीएल 2021 में क्या अफगानी खिलाड़ी खेल पाएंगे या फिर नहीं, ये बड़ा सवाल है। जबकि सबसे बड़ा टूर्नामेंट आगे है T20 वर्ल्ड कप 2021, तो क्या T20 विश्व कप 2021 में अफगानिस्तान की टीम हिस्सा ले पाएगी या फिर नहीं? तो अफगानिस्तान में तालिबान की हुकूमत के बाद क्या होगा मोहम्मद नबी का और क्या होगा राशिद खान जैसे जबरदस्त खिलाड़ियों का? तो आइए देखते हैं यह बड़ी रिपोर्ट से। तो तालिबान क्रिकेट को पसंद करता है, खेल को नहीं होगा कोई नुकसान, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड का बड़ा बयान। जी हां, अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हामिद सिनवारी ने देश में अमूलचूल राजनीतिक बदलाव के बाद कहा कि क्रिकेट को नुकसान नहीं होगा क्योंकि तालिबान इस खेल को पसंद करता है और इसका समर्थन करता है। सिनवारी ने बात करते हुए आश्वासन दिया कि राष्ट्रीय टीम के सदस्य और उनके परिवार सुरक्षित हैं। तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया है। राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीब जादरान जैसे स्टार खिलाड़ी फिलहाल द 100 टूर्नामेंट में ब्रिटेन में खेल रहे हैं। अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कहा, तालिबान क्रिकेट को प्यार करता है, शुरुआत से ही उन्होंने हमारा समर्थन किया है, वे हमारी गतिविधियों में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मुझे कोई हस्तक्षेप नजर नहीं आता है और समर्थन की पूरी उम्मीद है जिससे कि हमारा क्रिकेट आगे बढ़ सके। हमारे अध्यक्ष सक्रिय हैं, अगले नोटिस तक मैं ही सीईओ रहूंगा। अफगानिस्तान में 1996 से 2001 के दौरान तालिबान के शासन के समय क्रिकेट अपने पैर पसारे, जब अफगानिस्तान में शरणार्थी पड़ोसी पाकिस्तान में इस खेल से जुड़े। सिनवारी ने कहा कि यह कहा जा सकता है कि तालिबान के युग में क्रिकेट का प्रसार हुआ। यह भी तथ्य है कि हमारे कई खिलाड़ी पेशावर में अभ्यास करते थे और उन्होंने इस खेल को अफगानिस्तान में मुख्य धारा से जोड़ा। अच्छी चीज यह है कि हम सामान्य हालात की ओर बढ़ रहे हैं, लोगों ने काम शुरू कर दिया है, हम आज से अपना कार्यालय में काम बहाल करेंगे और श्रीलंका में पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज से पहले राष्ट्रीय शिविर 2 दिन के ब्रेक के बाद बहाल होगा। खिलाड़ियों की सुरक्षा पर उन्होंने कहा कि विदेशों में खेल रहे 4 या 5 खिलाड़ी के अलावा बाकी सभी काबुल में हैं, जैसे कि मैंने कहा कि वे सुरक्षित हैं। भारतीय क्रिकेट बोर्ड यानी कि BCCI भी अफगानिस्तान के हालत पर नजर रखे हुए हैं और उन्हें उम्मीद है कि देश के खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग में हिस्सा लेंगे। तो अभी हाल ही में इंडियन प्रीमियर लीग से भी बड़ा बयान आया था, जहां सनराइजर्स हैदराबाद की टीम मैनेजमेंट ने यह बड़ा बयान दिया था कि राशिद खान, मोहम्मद नबी, मुजीबुर रहमान जैसे अफगानिस्तानी खिलाड़ी भी सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से आईपीएल का सेकंड फेस यूई में खेलने वाले हैं। और जिस तरह से अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बयान दिया है कि तालिबान क्रिकेट को पसंद करता है और अफगानिस्तान क्रिकेट टीम को कोई नुकसान नहीं होने वाला है और अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 में भी खेलने वाली है, तो इसको देखकर यह 100% कंफर्म हो चुका है कि अफगानिस्तान की टीम T20 वर्ल्ड कप 2021 में पार्टिसिपेट करने वाली है। यही नहीं, उससे पहले होने वाली सभी सीरीज में भी खेलने वाली अफगानिस्तान की टीम, जबकि आईपीएल में भी अफगानी खिलाड़ी पार्टिसिपेट करने वाले हैं। लेकिन यह बात भी सच है कि अब अफगानिस्तान क्रिकेट को तालिबान ही चलाने वाला है, जो चाहेगा वही करेगा, तालिबान की मनमर्जी चलने वाली है अफगानिस्तान क्रिकेट पर भी। तो इसको लेकर आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें।